भाई बंधन के स्मार्ट लगता है, भाभी बिना बंधन इतना वहम किसी के लगा के तो देखूं, हाथ ना तोड़ दूं, गाल ना फोड़ दूं। आपका हाथ तोड़ूंगी, जिसके लगाओगे उसका गाल फोड़ूंगी। 21st March 2024 गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। कल गाइज मेरा ना 22 को कल मेरा लाइव आर्ट है, जो कि मैंने कोई तैयारी नहीं की है अब तक, क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से कोई तैयारी नहीं कर पाया। व्लॉग की एडिटिंग भी करनी, जिम भी करनी, क्लास भी करनी, स्कूल भी जाना, तो ओवरऑल आज देखता हूँ, आज मैं प्रैक्टिस मुझे करनी मस्ट है। हालांकि मैंने प्लान कर लिया है, वो बहुत पहले प्लान कर लिया था मुझे क्या बनाना है, और जब इतने लोगों के बीच में आप लाइव आर्ट करते हो ना, तो और प्रेशर होता है माइंड पे, तो वो अच्छा ना बने तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती। तो ब्रेकफास्ट होने की तैयारी हो रही है, बस पूजा कर चुका हूँ ना, धोके पानी की प्रॉब्लम चल रही है 2 दिन से बहुत ज्यादा। और भाई कैसा लग रहा है स्मार्ट ना बता देना, भाभी नहीं लग रही ना इतनी, अरे भाई का जलवाई अलग है ना, भाई बंधन के स्मार्ट लगता है, भाभी बिना बंधन। इतना वहम वहम नहीं है, वो रियलिटी है। अच्छा रेडी वेडी होके स्मार्ट लगता है, बिना उसके स्मार्ट ही नहीं लगता है। अरे ज्यादा नहीं हो रहा ये है, हाथ मत लगाओ ठंडे ठंडे, ठीक है? अरे तो किसको लगाऊंगा, अभी तो होली भी आ रही है। अरे ये तो हाथ ही ठंडे हैं, हाथ ठंडे हैं, अभी तो पानी भी ठंडा होता है। अंग से अंग मिलाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना। अब वो टाइम आ रहा है गाइस, बहुत जल्दी होली आ रही है। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को होली की शुभकामनाएं एडवांस में। चलो मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ, भूख आई है। और गाइस सुबह से है ना इतनी तेज मस्त हवा चल रही थी, आप लोगों ने वो क्लिप देखी होगी सुबह तो, और मतलब इतनी ठंडी और तेज नहीं, मतलब मस्त थी ना, बाहर बैठ के अच्छी वाइब्स ली मैंने सुबह उठ के। सो गाइस हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब जा रही हूँ मैं किचन में, क्योंकि मेरा तो बस खाना है, खिलाना है और किचन में ही ठिकाना है। वाह 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 वाह, मेरे गाल पे हाथ मत लगाओ आप, ठीक है? आपके गाल पे नहीं लगाऊंगा तो और किसी के लगाऊंगा। किसी के लगा के तो देखूं, हाथ ना तोड़ दूं, गाल ना फोड़ दूं। किसके हाथ तोड़ोगे, किसके गाल फोड़ोगे? आपका हाथ तोड़ूंगी, जिसके लगाओगे उसका गाल फोड़ूंगी। आप अपने तो लगाने नहीं दे रहे, तो मैं सोचो तो भी ठंडे ठंडे मत लगाओ ना। तो गाइज मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और खाने में आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर। ये बहुत टाइम हो गया कुछ अलग बनाने का, जो मेरी फेवरेट, रोज इनकी बनाते ना, आज अपनी फेवरेट बनाऊंगी। यस, इसीलिए आज पानी ना होते हुए भी 4-5 बार पालक धोया गया है। मैंने कहा कुछ और बना लो, पालक तो धो के ही बनाएगा ना, तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, पानी अगर नहीं है तो मैंने कहा कुछ और बना लो, नहीं आज तो पालक पनीर ही बना, क्योंकि ये फिर ना खराब हो जाएगा। मेथी भी रखी है मेरे को मेथी बनाने, और उसके लिए भी पानी ज्यादा चाहिए, तो आज शाम को मेथी और कल बनाऊंगी, फिर उसके बाद 1-2 दिन मतलब फिर हम घर चले जाएंगे होली के लिए, तो सब्जी जो यहाँ पर रखी है वो खराब हो जाएगी, वेस्ट होगी, तो क्या ही फायदा। फिर इससे बेटर है ना बना के अपना खत्म करके खा पी के फिर जाए। तो बस टाइम ज्यादा ना लेते हुए मैं पहुंचती हूँ किचन में और जल्दी जल्दी बनाती हूँ खाना। तो गाइज अभी मेरे स्कूल जाने का टाइम होने के लिए 1 घंटा, और मैंने जस्ट अभी थोड़ा बहुत अपनी एडिटिंग का काम किया है और काफी काम निपटाए हैं, तो एडिटिंग मेरी पूरी नहीं हुई है, तो मुझे वर्कआउट करना है। हालांकि मैं जिम नहीं गया, तो मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर ही हल्का फुल्का वर्कआउट कर लेता हूँ, रात को जिम जाऊंगा, क्योंकि 2 टाइम्स मैं कर ही रहा हूँ ना, तो एक कार्डियो भी मेरी ज्यादा फोकस है, तो यहाँ पर मैं कार्डियो वाला वर्कआउट तो कर ही सकता हूँ घर पे, तो अभी मैं कार्डियो वाला यहाँ पर करता हूँ और चलो वर्कआउट शुरू करता हूँ अपना। After dinner. Hey
गाइस, मेरे एग्जाम हो चुके खत्म, अब चल रहा है फ्रॉलिक फन एंड प्ले, उसमें कल आखिरी दिन है और आज मैंने इतनी मस्ती की ना, और स्कूल में पोएट्री भी बनाई। पापा आज स्कूल से लेट आए थे किसी काम की वजह से, अभी एडिटिंग कर रहे हैं। मम्मी अंदर लेट रही है, मैं आपको दिखाती हूँ खुद से वो बनाया था, सिंड्रेला की और बार्बी की डॉल। ये देखो अभी सो रही थी, पेपर से बनाया है मैंने, बहुत मुश्किल से बना, ये तो गंजी हो गई थी, टेप से चिपकाया है। तो गाइस सिस्टी मेरा सर दब आ रही है, अभी मेरे सर दर्द हो रहा है बहुत तेज, बीवी मेरी अंदर बैठी हुई है गुस्सा होके, क्योंकि मैं बताती हूँ मम्मी ने मुझे सोने के लिए बोला था, पापा ने अपने पास आकर बिठा लिया। नहीं मैं लेट आया ना इसलिए आज मम्मी गुस्सा है। तो गाइस अभी रात के 12:40 हो रहे हैं और अभी मेरा व्लॉग फाइनल हुआ है, ये व्लॉग सेव हो रहा है मेरा, हालांकि अभी बहुत अभी इसमें काम है और मेरा कल लाइव शो है तो उसके लिए मुझे अभी प्रैक्टिस भी करनी थी लेकिन टाइम नहीं मिल पाया, तो व्लॉग सेव हो रहा है। तब तक मैं बनाता हूँ अपने लिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि सर दर्द मुझे बहुत तेज हो रहा है अभी पता नहीं क्यों, और क्योंकि मुझे अभी थंबनेल वगैरह बनाना है फाइनल करके तब सोना है, और सुबह मुझे जल्दी भी उठना है ताकि मैं अपने लाइव आर्ट की थोड़ी प्रैक्टिस कर पाऊँ। तो गाइज अभी रात के 1:40 हो रहे हैं, 1:40, तो चलो सुबह मिलते हैं। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है, अभी मिल रहा हूँ आप लोगों से और जाने के लिए मैं रेडी हूँ बिल्कुल, जितनी एक्साइटमेंट है ना उतने गूज़बम्स हैं। मुझे एक्चुअली स्टार्टिंग से स्टेज फोबिया रहा है लेकिन मैंने अपने उस चीज़ को लेवल को बीट किया है, और लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बुरे चीज़ें होती हैं, जैसे लाइक हम किसी चीज़ से डरते हैं या कुछ करने से डरते हैं, तो वो पहले मैं बोल भी नहीं पाता था, लोगों के 10 लोगों के सामने भी नहीं बोल पाता था, लेकिन अब मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ और मेन मकसद मेरा ये भी था कि काफ़ी चीज़ें अब पब्लिकली भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ, तो काफ़ी चीज़ें मैंने चेंज की अपने अंदर। आई होप सो मैं वहाँ पर मेरा जो हो, हालांकि मैंने कुछ तैयारी मेरी बिल्कुल नहीं हो पाई है, सच बता रहा हूँ कि बिजी शेड्यूल की वजह से ये काम वो काम वो काम सारे काम मेरे ज़रूरी थे जो कि मैंने किए, तो देखते हैं, होप सो मैं वहाँ पे मेरा बेस्ट जाए। लाइफ की और प्रॉब्लम्स तो चलती रहती है और चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन अपने फोकस हमेशा रहना चाहिए जो कि मेरा है। और ये मैं क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि लाइव आर्ट में सिर्फ मुझे 3.5 मिनट में आर्ट बनाना है, 3.5 मिनट में कोई आर्ट बनाना जो पब्लिक के सामने यानी कि ऑडियंस के सामने कुछ इम्प्रेसिव हो, तो वो एक टास्क है, और लाइफ के ऐसे चैलेंजेस को मैं हमेशा एक्सेप्ट करता आया हूँ, तो बस ये मेरी लाइफ का सीक्रेट है आगे बढ़ने का, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो, बिना चैलेंजेस के लाइफ आगे नहीं बढ़ती ना, मतलब मूव ऑन होती है ना, आप आगे बढ़ पाते हो। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी लाइफ के लिए भी, अपने चैलेंजेस जो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते ना, तो वो कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, वो एक डर में ही रहते हैं कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैंने उस जोन को तोड़ा है, बाहर निकला हूँ मैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किसी एक चीज़ में, एक वीडियो में, एक बात में, बहुत सारी बचपन से लेके जो चीज़ें हैं मैंने डर को चेंज करते करते आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, जो राजवीर आपके सामने वो यही मेरी रियल बैक स्टोरी है। मैं आपको बोर ना करते हुए मैं पहुँचता हूँ, अपनी तैयारी करता हूँ, ओवरऑल मटेरियल वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो जो लेना है पैकिंग वगैरह कर लेता हूँ, हमें जल्दी जाना है, जल्दी निकलना है। ठीक है गाइज, होप आप लोगों ने छोटे से ब्लॉग को इन्जॉय किया होगा, इन्जॉय किया तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में।